Good morning students, I hope you all are fine. Let us start our today's class. We have completed second chapter. Please complete your math notebook. Now today we will start third chapter, multiples and factors. Today's topic is factors and multiples. Factors. Today we will learn how to find out factors. First of all, I explain what do you mean by factors. A factor is a divisor which divides a number exactly, leaving remainder zero. Let us understand with the help of one example. Here, write all factors of 15. We have to find out all factors of 15. 15 के हमें factors निकालने हैं. First step क्या है? आपको 15 को 1 से divide करके देखना है और ये देखना है कि exactly divisible है कि नहीं, पूरा divide हो रहा है कि नहीं. तब 15 को 1 से divide करेंगे. 1 1 1 1 5 5. Remainder is 0, completely divide हो रहा है. It means 1 is a factor of 15. Okay? How you will write? आप यहाँ लिखेंगे 1 into 15. हम यहाँ लिखेंगे 15 equals to 1 into 15. इसके बाद हम 2 से चेक करेंगे. 15 क्या 2 से डिवाइड होगा? कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए. 2 7 जा 14. 1 रिमाइंडर आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 2 फैक्टर नहीं है 15 का, तो हम यहाँ से नहीं लिखेंगे. इसके बाद हम 3 से चेक करेंगे, क्या 15 3 से डिवाइड होता है? 3 5 जा 15, रिमाइंडर 0 बच रहा है. यस, इट इज डिविजिबल, है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0. इसको कैसे लिखेंगे हम? 3 into 5. इसके बाद हम 4 से चेक करेंगे, क्या 15 4 से डिवाइड होता है? 3 जा 12, रिमाइंडर बच रहा है इसमें भी 3. सो 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15. ठीक, हम उसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है फैक्टर 15 का. इसके बाद हम 5 से चेक करेंगे, 15 का 5 से डिवाइड होता है? 5 3 जा 15. यस, रिमाइंडर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है रिमाइंडर, इट मीन्स 5 फैक्टर है 15 का. हम यहाँ लिखेंगे, इसको भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे, 5 into 3. अब आप देखेंगे यहाँ पे ये नंबर इंटरचेंज हो गए. ठीक, यहाँ आपको स्टॉप होना है, क्योंकि अब हमने 15 के सारे फैक्टर निकाल लिए हैं. ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे, सो द फैक्टर्स ऑफ 15 आर, ये होंगे पूरे फैक्टर 15 के, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 1 3 5 and 15. ओके, अंडरस्टूड? नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 20. फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको पहले 20 को 1 से चेक करना है, 1 से डिवाइड करना है. ठीक, मैंने आपको बताया था 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है. ठीक, हम लिखेंगे 20 equals to 1 into, कितने टाइम होगा 1 से? 20 टाइम होगा, 1 into 20. फिर हम 2 से चेक करेंगे 20 को, 2 1 जा 2. नाउ ये 0 है, इसके लिए हम क्वेश्चन में 0 लगा देंगे, 10 टाइम में हो रहा है डिवाइड. हम क्या लिखेंगे इसको भी? 2 into 10. ठीक, फिर हम किससे चेक करेंगे? 3 से. ठीक, 20 क्या 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है? 3 7 का 21 तो ज़्यादा हो रहा है, हम 3 6 18 लेंगे, 6 टाइम लेंगे. और 2 क्या बच रहा है? रिमाइंडर, इट मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 2 रिमाइंडर बचा, इट मीन्स 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20. 3 नहीं लिखेंगे,
1, 2, 4, 5, 10 and 20. Understood? ये सारे नंबर 20 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. Now we will discuss properties of factor. First देखेंगे, let us see first. 1 is a factor of every number because every number is exactly divisible by 1. है ना, हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, इसलिए 1 हर नंबर का फैक्टर है. सेकेंड देखेंगे, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हमने एग्जांपल लिए थे, तो हमने देखा है फैक्टर्स ऑफ 15. लास्ट में हमारा 15 है, मतलब 15 का फैक्टर 15 भी होता है, क्योंकि 15 15 को डिवाइड करता है 1 टाइम. ठीक, ऐसे 24 का फैक्टर 24 भी होगा. क्यों? क्योंकि 24 को हम 24 से डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम में. ठीक, थर्ड, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर इज 1. हर नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है. हमने यहाँ एग्जाम्पल लिए, 15 का भी स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है. हमने यहाँ 20 का भी देखा, स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है? 1 है. एंड द लार्जेस्ट इज द नंबर इटसेल्फ. लार्जेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है. जैसे 15 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा? 15. अंडरस्टूड? 20 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या है? 20. लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, है ना. नाउ फोर्थ, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट. फाइनाइट मींस लिमिटेड. हर नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. जैसे यहाँ पे 15 के कितने फैक्टर्स हैं? 4. Now we will learn how to find out the multiples. Let us see first ki what are multiples. A multiple of a number is a number obtained by multiplying it by a counting numbers. Counting numbers means 1, 2, 3. Okay. Let us understand with the help of one example. How to find out the multiples of 9? For finding out the multiple of 9, we multiply 9 by 1. 9 ones are 9. Okay. This is the first multiple of 9. Then multiply by 2. 9 multiply by 2. 18. This is the second multiple of 9. Then 3. 9 threes are 27. This is the third multiple of 9. 9 fours are 36. Like this, you will find out the multiples of 9. Okay? 9 fives are 45, 9 sixes are 54. Okay? Now, right? So the multiples of, this is the multiples of 9. Write the multiples of 9. 9, 18, 27, 36 and so on. अब 9 को आगे भी मल्टीप्लाई करते जाइए नंबर से, तो आपके पास जो है मल्टीपल्स आते जाएंगे. अंडरस्टूड? मल्टीपल्स इज नथिंग बट सिंपली मीन्स द मल्टीप्लीकेशन टेबल. जैसे हमें 9 की मल्टीपल निकाल लें, तो हमें 9 का मल्टीप्लीकेशन टेबल लिखना है. ओके, now we will discuss properties of multiple. First is, every number is a multiple of itself. आपने देखा होगा 3 की मल्टीपल में 3 आता है ना. हर नंबर में, हर नंबर अपना मल्टीपल होता है. जैसे 3 का मल्टीपल 3, हम स्टार्ट ही करते हैं 3 का मल्टीपल 3 होगा. 6 का है तो 6 ones are 6. ओके, सेकेंड, देयर आर इन्फिनिट मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर. मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड. आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें 3 का मल्टीपल्स निकालना है, हम इसको नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मल्टीपल्स आते जाएंगे, क्योंकि काउंटिंग जो है वो
खत्म नहीं होती है काउंटिंग। आप 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ नंबर्स को, आपके पास मल्टीपल्स आते जाएंगे। तो मल्टीपल्स क्या है? अनलिमिटेड है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।